उपाय से हमने कई लोगों के करोड़ों रुपए के कर्जे खत्म करवाए हैं। ये आपका अनुभव है? अनुभव है। अच्छा, ये उपाय हमने तब डेवलप किया था जब मेरे पे भी एक बार 50 लाख का कर्जा हो गया था। तो हम भी बहुत भागे, बहुत से उपाय किए। रेमेडी किंग इसलिए नाम पड़ा कि मैं कोई भी उपाय डेवलप करता हूँ तो मैं पहले अपने पे करता हूँ, उसके प्लस माइनस क्या है। दो चौखट पे चौखट होती है, दोनों चौखटों पे स्वास्तिक बनाए, ये स्मरण करते हुए हनुमान जी का कि ये प्रॉपर्टी मेरी जल्द से जल्द बिक जाए। अक्सर आजकल दो परेशानियां बहुत चल रही हैं, एक कर्ज की कि दिन पर दिन लोन डेब्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, कर्जा उतर नहीं रहा। हाँ, एक आम आदमी ईएमआई के बोझ के नीचे दिन पर दिन दबता चला जा रहा है कि अगर वो एक ईएमआई खत्म करता है, गाड़ी की करता है तो होम लोन की करता है तो बच्चों की शिक्षा करता है तो कुछ, अपने घर में टीवी फ्रिज लाता है तो उसकी परेशानी, तो ईएमआई के बोझ से दबता चला जा रहा है। और आमदनी वही की वही है। तो आज हम आपके प्रोग्राम के माध्यम से दोनों चीजें बताएंगे। जी जी, अगर हमारे घर में बरकत है, आमदनी अच्छी है, तो हम ईएमआई का बोझ कम कर सकते हैं बजरंग बली की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी मंगलवार के दिन, कोई इसमें अमावस और पूर्णमासी का लेना देना नहीं है। किसी भी मंगलवार के दिन आप सुबह 10 से 12 के बीच में हनुमान मंदिर जाइए। अब मनोज जी, एक चीज आती है कि सर 10 से 12 तो मेरी नौकरी का टाइम है, जॉब वाला नहीं कर सकता ये उपाय, तो वो शाम को 7 से 8 के बीच में कर ले मंगलवार के दिन। करना क्या, 250 ग्राम लाल उड़द लेने हैं, साबुत वाले 250 ग्राम लाल उड़द लेने हैं, और वो लेकर भगवान हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनके चरणों में रख दें और प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे पे कृपा करें और मेरा कर्जा, अमुक कर्जा जल्द से जल्द उतर जाए और मेरे कार्य में, मेरी सैलरी में, मेरे व्यापार में बरकत हो, वृद्धि हो, जिसके द्वारा मैं जल्द से जल्द ये कर्ज मुक्त उतार हो जाऊं। अच्छा, मतलब इसमें आय का स्रोत भी बनता है। बिल्कुल, आय का स्रोत भी बन जाता है। वो भी हम आपको बताएंगे कि आय का स्रोत भी हम किस तरह से करते हैं। ये उपाय आपने मंगलवार को करना है। आप 11 मंगलवार कम से कम ये उपाय करें तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका कर्जा उतरना शुरू हो गया। अब एक क्वेश्चन है जो मैं ही करता हूँ, सामने वाला कहता है कि सर मेरे पास मंदिर जाने का टाइम नहीं है। अच्छा, मतलब बहुत भागम भाग में है। अब ये प्रोग्राम तो ऑल ओवर इंटरनेशनल चल रहा है जी। अब मंदिर फॉरेन के अंदर कई कई किलोमीटर दूर होते हैं, लिख करके भेजते हैं कि नहीं है मंदिर। अगर कोई, जैसे मान लिया कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे मंदिर का प्रावधान ही नहीं है, तो क्या करोगे? आपको ये क्वेश्चन आएंगे, कमेंट्स में आएंगे। सही कहा आपने। तो वहां पे क्या करना है, वहां हमने करना है दूसरा उपाय है, वो इंडिया में भी कर सकते हो, इंटरनेशनली कहीं भी कर सकते हो। आपको खैर की लकड़ी लेनी है। अच्छा, अब खैर की लकड़ी क्या होती है, शायद कई लोगों को, व्यूवर्स को नहीं मालूम। हम कत्था खाते हैं पान के अंदर, तो पान के अंदर जो कत्था होता है उसके पेड़ होते हैं, उसकी लकड़ी लेनी है, जो उसी को खैर कहते हैं, उसको खैर कहते हैं। ये लक्ष्मी प्राप्ति के हवन के लिए भी बहुत काम आती है। तो खैर की लकड़ी लेनी है, मंगलवार से उपाय शुरू करना है। आपको क्या करना है, खैर की लकड़ी लेनी है, लेने के बाद उसको मंगलवार के दिन थोड़ा सा गैस पे, अच्छा, आंच पे जला लेना है आग से, तो वो हल्का सा कोयला बन जाएगी। ज्यादा आंच नहीं देनी क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है, वो बुझ जाएगी, काला बन जाएगा, कोयले जैसा, कोयले की तरह बन जाएगी। और हमने जमीन में अपने बालकनी में, जहाँ हमारा घर का मंदिर है, वहाँ पे फर्श पे 3 लाइन खींचनी है, 1, 2, 3। अच्छा, 3 लाइन खींचनी है। खींचने के बाद बाएं पांव की एड़ी से, लेफ्ट पांव की एड़ी से ऊपर से नीचे तक वो लाइन मटाते हुए आना, कहना है भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए, हे प्रभु मेरा कर्जा जल्दी से जल्दी उतर जाए और मेरी आमदनी में बढ़ोतरी हो। तो
तो अब जब आपने एक लाइन मिटा दी, अब वो ये एड़ी उठा के सीधा दूसरी लाइन पे रखनी है। अच्छा, ये विशेष ध्यान रखना है। मतलब वही बाएं पैर का ही, बाहर पैर का, बाएं पैर। फिर दूसरे में भी ये कहना है, मेरे कार्य में बरकत हो, मेरी आमदनी का स्रोत बढ़े और मेरा कर्जा जल्द से जल्द मुक्त हो जाए। फिर दूसरी लाइन मिटा दी, फिर वही एड़ी उठा के हमने तीसरी पे करनी है, फिर हमने यही प्रोसेस करना है। अच्छा, तीनों बारी हनुमान जी का ध्यान करते हुए हमने ये उपाय करना है। और ये उपाय हमने तब तक करते रहना जब तक हमारी ईएमआई शून्य ना हो जाए, यानी कर्जा जीरो ना हो जाए। क्योंकि हम समय समय पे करते रहे, समय समय पे नहीं, मंगलवार से शुरू करके डेली करना है। अच्छा, डेली करें, डेली करना है। ये उपाय से हमने कई लोगों के करोड़ों रुपए के कर्जे खत्म करवाए हैं। चाहिए, आपका अनुभव है? अनुभव है। इसमें कई न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं जो आज के टाइम में पॉडकास्ट कर रहे हैं कि हमारे कर्जे उतरे हैं। अच्छा, वो तो इसी तरह से उतरे, इस तरह इस उपाय से, इन्हीं उपायों से उतरे हैं। हमने एक जटा वाला नारियल लेना है, पानी वाला जो होता है, और उस पर कुमकुम या रोली से चमेली का तेल मिक्स करके या गाय का घी मिक्स करके उस नारियल के ऊपर हमने स्वास्तिक बनाना है। अच्छा, और बनाने के बाद हमने वो नारियल हनुमान मंदिर जाना है, भगवान हनुमान जी के चरणों में रखना है और प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरा आय का स्रोत दिन पर दिन बढ़ता जाए और अपनी कृपा मेरे पे प्रदान करें। और चमेली का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल का मिट्टी के दिए में दिया जला के आना है। ये उपाय आपको 11 मंगलवार कॉन्टीन्यूसली करना है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके आय के स्रोत के साथ साथ बरकत बढ़ जाएगी। जो आपका रुका हुआ धन था रोलिंग के लिए, वो भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपना घर बेचना चाह रहा है, या तो अपना कर्ज मुक्त करने, कर्ज से मुक्त होने के लिए, या एक नया घर लेने के लिए, तो छोड़ता है यार ये मेरा छोटा घर बिक जाए तो मैं बड़ा घर लूँ, तो थोड़ा ये बेच के मेरे पास फाइनेंस फंड्स आ जाएंगे, स्रोत बन जाएगा तो मैं लूँ। और लाख कोशिश करने के बाद लोग देखने तो आ रहे हैं मगर घर नहीं बिक रहा, तो उसके लिए मैं बहुत सरल सा आपको उपाय बताता हूँ। या ये उपाय उनको बहुत अच्छा लगेगा जो बिल्डर्स हैं, अच्छा, जो अपना फ्लैट्स बेचते, फ्लैट बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका भी आय का स्रोत ही है। मतलब नया पुराना कोई भी घर, कोई भी पुराना हो, तो जिस व्यक्ति के नाम घर के पेपर हैं, जिस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री है, घर के पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिस भी वे में उसके घर के नाम जमीन है, पेपर है, वह व्यक्ति मंगलवार को हनुमान मंदिर जाए। अगर दक्षिणा मूर्ति, दक्षिण मुख मूर्ति वाले हनुमान जी मिल जाए तो अति उत्तम है। और जाने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपको पता है मैं किस लिए आया हूँ, मेरा ये घर का परेशानी चल रहा है, आप अपनी कृपा प्रदान करें, और 11 बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। अच्छा, चाहे वो देसी घी के हो चाहे नॉर्मल घी के हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थना करते हुए, भोग लगाते हुए पंडित जी से आग्रह करें कि दाएं कंधे का सिंदूर थोड़ा सा हमें दे दें, और वो सिंदूर अपने घर पे ले जाकर जो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल करनी है वहां पे जाकर स्वास्तिक, अच्छा, दोनों चौखट पे, चौखटे होती है दोनों चौखटों पे स्वास्तिक बनाए, ये स्मरण करते हुए हनुमान जी का कि ये प्रॉपर्टी मेरी जल्द से जल्द बिक जाए।